सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। शुरुआत किया ये आइडियल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो जेल में बंदी हैं, जो कि समाज का एक कटा हुआ एक हिस्सा माना जाता है समाज का, कि वो अपराधी हैं, उनको इसलिए जेल हो गई है तो उनको समाज पूरी तरह से उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको बड़ी लंबी सज़ाएं हो जाती हैं। तो हमारी मंशा ये थी, एनजीओ की मंशा ये थी कि इन जो कैदी हैं उनको कोई हुनर दिया जाए ताकि वो आगे जब वहाँ जेल से बाहर निकले तो समाज में अपनी रोज़ी रोटी का, अपने व्यवसाय को अंजाम दे सकें। इसी के तहत हम लोगों ने ये शुरुआत की थी कि वहाँ पर जो दबके का काम है, जो हाथ के कारीगर हैं, जो मशीन का काम जानते हैं, जो टेलर हैं, उन लोगों को कोई ना कोई काम दिया जाए, कोई रोज़गार दिया जाए। और आज उसी का ही एक नतीजा है कि उन लोगों के काम की और उनकी मेहनत और उनके लगन की और समाज से अपने आप को दोबारा जोड़ने की उस जन चेतना का ही ये मिसाल है कि आज आपके सामने जो है इतना सामान उन्हीं का हाथों का बनाया हुआ हमारे समाज के बीच में। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत प्रोत्साहित। मेरा नाम नसीम जैदी है और मैं मारिया आलम की एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ। और ये सेल हमने इसलिए ये सब लगाई एग्जीबिशन कि जो जेल में काम हो रहा है, हम लोग करीब 3 साल से काम करवा रहे हैं, बहुत छोटे पैमाने पे करवा रहे थे कि हम उनके बैग बनवा रहे हैं और वो निकलवा रहे हैं, फिर ऐसा हुआ कि थोड़ा सा हमने उसको बढ़ाया, फिर दिवाली पे हाँ तो उनको बुलवाया इन सबको, अधिकारियों के वाइफ्स को, और उनको दिखाया। और उद्देश्य हमारा ये है, मकसद हमारा ये है कि जेल में जो लोग रह रहे हैं वो ये काम सीख लें, कुछ काम उनको ऐसा आ जाए कि जिस वक्त वो जेल से निकल के बाहर जाएं तो उनके हाथ में एक कोई हुनर ऐसा हो कि जिसको कर सकें। क्योंकि एक बार नहीं, और एक बार जेल आने के बाद आपको पता है कि समाज जो है ना उस आदमी को कबूल भी नहीं करता है, ना औरतों में ना उसमें, तो उसके साथ क्या क्या होता है ये तो मेरे ख्याल से सभी समझते हैं और सभी जानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम वो अपना एक काम कोई लेकर बैठे, कुछ काम करें तो लोगों में भी अवेयरनेस आए और ये हो कि वो काम कर रहा है तो हम उसको मतलब प्रोत्साहित करें और ये करें। इसीलिए हमारे उद्देश्य है कि जो वहाँ रह रहे हैं वो इस काम को सीखें, जो बाहर जो एनजीओ द्वारा जो ये जहाँ एग्जीबिशन लगी है इसमें ये काफ़ी सराहनीय कदम है ये इस एनजीओ के लिए, क्योंकि इसमें इन्होंने जो जेल में जो कैदी महिलाएँ हैं और जेंट्स हैं उनके द्वारा भी बनाए हुए यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट वगैरह इन लोगों ने भी लगाए हैं जो कि काफ़ी बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें से हमने 2-4 चीज़ें हमने भी परचेज़ की हैं और बहुत ही अच्छा योगदान है इनका, ये एनजीओ का, कि इनका काफ़ी अथक प्रयास था कि इन लोगों ने ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात है। और इसके लिए हम तो चाहेंगे यहाँ अलीगढ़ वासियों से भी कि ये लोग भी आएँ और अच्छे से अच्छे मात्रा में इनको परचेज़ करें और इनका प्रोत्साहन करें। जैसे कैसा हुनर था इनका, आइटम कैसे? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रतिभा और कुशलता आपको देखने को मिलेगी
बहुत ही खूबसूरत बनाया है, मतलब ये कुशन और ये जो इनके साड़ीज वगैरह जो इन्होंने पढ़ाई वगैरह की है, उत्थान में किस तरह का फायदा करेंगे? बिल्कुल, इनको आगे उत्थान में बिल्कुल फायदा है। जब ऐसे लोग लग जाएंगे इस टाइप के NGO और, तो जरूर नारी उत्थान तो होगा ही होगा, रहेगा ही। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।